बेजुबानिश नाम की ये फिल्म है और मैं इसमें रश्मिकांत का किरदार कर रहा हूँ जो हीरोइन का फादर है। ये फिल्म हमारे एक बहुत ही दिग्गज जिन्होंने अभी तक रीजनल गुजराती फिल्मों में बहुत ही शोहरत प्राप्त की है, वैसे हमारे जसू भाई गांगाणी डायरेक्ट कर रहे हैं, उनकी ये पहली निर्देशित की गई हिंदी फिल्म पहली होगी, तो उस हिसाब से मैंने खैर इनके साथ तो कोई गुजराती फिल्म आज तक की नहीं, हालांकि मैं भी एक गुजराती हूँ, लेकिन जब ये फिल्म की बात आई और वो मेरे पास आए तो मैंने ये सोचा कि बिकॉज मैं जानता हूँ उनके काम के बारे में और मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, तो मैंने तय किया कि हाँ मैं ये फिल्म करूँगा। देखिए क्या है कि भाषा चाहे कोई भी हो, अगर वो फिल्म अच्छी है उसमें मेरा रोल मेरा किरदार अच्छा है और एक एक्टर बतौर एक एक्टर मुझे ये अच्छा लगता है चैलेंजिंग लगता है तो मैं वो ज़रूर करूँगा। मैंने अंग्रेज़ी फिल्में भी की है, अभी अभी मेरी एक हॉलीवुड फिल्म रिलीज़ हुई मिलियन डॉलर आर्म, तो वो भी की है मैंने, एक लास्ट ईयर ही दिसंबर में एक गुजराती फिल्म की बे आर, और दो साल पहले मैंने स्वराज्य नाम की एक मराठी फिल्म भी की थी। हिंदी फिल्म्स तो मैं करता ही हूँ, तो मैं ये नहीं मानता कि भाषा बदलने से कहानियाँ या जो इंसानियत है वो बदल जाती है, तो मैं कोई भी भाषा हो उस फिल्म में मैं काम करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूँ। ये बेजुबान इश्क ये फिल्म का नाम है और रश्मिकांत का किरदार मतलब वो बहुत ही इज अ वेरी लविंग फादर और अपनी बेटी को हर खुशी उसके हर सपने को पूरा करने की उसे ख्वाहिश रहती है, ताकत भी है और सब कुछ होते हुए भी जब ये फिल्म की स्टोरी में जो कन्फ्लिक्ट है वो एक लव स्टोरी है, तो सब कुछ होते हुए भी जब हीरोइन जो है जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है उसके जीवन में किसकी कमी पड़ती है, क्योंकि इश्क के सामने सबको अपना माथा टेकना पड़ता है, अपने दिल के सामने, दिल पर किसी का जोर नहीं चलता, तो ऐसी कुछ कहानी है।